हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप एक्स एंड वाई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर आ चुका है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्जाम का डेट क्या है और इस बार की वैकेंसी में क्या क्या नए बदलाव देखने को मिले हैं, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लो और वहीं पर आपको मैं इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनटेक 1/2025 का। अब इसमें बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 6 फरवरी 2024। सो गाइस, सबसे पहले तो जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोग अब रेडी हो जाइए। पहले मैं 2019-20 में जिस प्रकार से रेगुलर क्लासेस लेता था आप सभी के एग्जाम का, वैसा ही क्लासेस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ अपने प्रिपरेशन से। कौन से बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर भी दिया था। यहाँ पर दोस्तों, आपके जो एग्जाम डेट है वो रखा गया है 17 मार्च। तो लगभग अभी से लेकर के 2.5 महीने का टाइम आप सभी के पास में है और इन 2.5 महीने में मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले आपकी एज क्रिटेरिया की, क्योंकि इसी को लेकर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जिनका भी एज 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में है तो आप सभी लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, आपकी जो इनरोलमेंट की लिस्ट है उस समय तक आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिसे साइंस सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अगर आपने 10+2 पास कर रखा है और 10+2 में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीनों आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स या फिर ओवरऑल भी आपके 50% मार्क्स होने नेसेसरी हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमा कोर्स वाले कैंडिडेट हैं वे भी यहाँ पर ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है दोस्तों वाई ग्रुप, यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आपने 10+2 पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से, तब आप बिल्कुल पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते यहाँ पर आपकी इंग्लिश में 50% मार्क्स होने बहुत ही ज़रूरी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख लो विजन वगैरह एक बार चेक कर लेना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपकी इमोलमेंट्स वगैरह की। तो इमोलमेंट्स आप सभी को पता है कि अग्निवीर स्कीम के तहत पहले महीने आपको कितने रुपये दिए जाते हैं, दूसरे महीने कितने दिए जाते हैं, तीसरे महीने कितने दिए जाते हैं और चौथे महीने कितने दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अग्निवीर स्कीम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए थे आज से 1 सप्ताह पहले, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में शेयर कर दूंगा, यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न की। तो आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जिसमें दोस्तों साइंस सब्जेक्ट में 1 घंटे का पेपर होता है और आपके पेपर 3 सेक्शन के होंगे। फिजिक्स मैथमेटिक्स के होंगे 25-25 क्वेश्चन और फिर इसके अलावा 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। जो कैंडिडेट बाय ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे तो 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 30 क्वेश्चन रागा के होंगे, यानी कि टोटल 50 मार्क्स का आपका बाय ग्रुप का पेपर होता है। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका कंबाइंड टाइम होगा 85 मिनट्स का, जिसमें इंग्लिश का जो पेपर है वो कॉमन रहेगा दोनों ही के लिए, वाई और एक्स के लिए। इसके अलावा एक्स के लिए आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स देना पड़ेगा और वाई के लिए रागा देना पड़ेगा। दोनों ही एग्जाम आपके एक ही शिफ्ट में एक ही बार में कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहती है और अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को भी यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर इसके बाद जो कैंडिडेट फेज 1 में पास हो जाएंगे उन्हें कॉल किया जाएगा फेज 2 के लिए, जहाँ पर आपके फिजिकल इंटरव्यू वगैरह करवाए जाते हैं, GD वहाँ पर आपका होता है और इसके अलावा आपके मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। सो गाइज, ये रहा आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर आपके फिजिकल की मैं बात कर लूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है 7 मिनट में, वहीं फीमेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फिर इसके बाद है दोस्तों आपका मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप्स हैं 1 मिनट के अंदर लगाना, 10 सिटअप्स 1 मिनट के अंदर एंड 20 स्क्वाट्स आपको 1 मिनट के अंदर लगाना होगा। जबकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 10 सिटअप्स लगाने होंगे 1 मिनट 30 सेकंड में एंड 15 स्क्वाट्स लगाने होंगे 1 मिनट में। ये रहा दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट। फिर इसके बाद आपकी एडेबिलिटी टेस्ट होती है, जिसमें आपके फिजिकल फिटनेस और मेडिकल दोनों चेक किए जाते हैं। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है वो आप यहाँ पर देख लो। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग
अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म फी इस बार बढ़ा दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो एफकैट का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी 550 रुपये और GST लग रहे थे, और इस बार से दोस्तों आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में भी अप्लाई करना चाहते हो तो 550 रुपये लगेंगे और इस पर आपकी GST चार्जेस ऐड होंगे। दोनों को ऐड करके आपको पेमेंट करना होगा। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप एक बार जाना। पिछले 4-5 सालों से मैं कंटिन्यू एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, आपके 2024 के एग्जाम के लिए मैं कल से ही आपके सारे क्लासेस स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। और इस बार आपके सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है, आप मानकर चलो। अगर आने वाले 2.5 महीने तक आप जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ या फिर गाइड करता हूँ उस तरह से अपनी तैयारी करते रहो। तो इसके अलावा अगर आपको वैकेंसी के बारे में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्यूरीज है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आपके सारे डाउट्स देखने के बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।